हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है ट्रयान और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ एक काफ़ी कम प्राइस में आने वाला गेम पैड। ये एक वायरलेस गेम पैड है, इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से सिर्फ 1000 रुपीज़ में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इसे खरीद भी सकते हो। तो ये गेम पैड का नाम है RPM यूरो गेम्स। ये एक वायरलेस गेम कंट्रोलर है और इसे आप जस्ट प्लग एंड प्ले करके यूज कर सकते हो। इस बॉक्स के ऊपर लिखा है कि ये जो गेम पैड है सिर्फ PC को ही सपोर्ट करता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो वायरलेस गेम पैड है, आप चाहे तो आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर TV के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर PC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। किस तरह से कनेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। तो हमारा गेम पैड देख सकते हो इस तरह के बॉक्स में मिलता है हमें, और यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। बॉक्स के पीछे अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर 10 कीज़ देखने को मिलती है, 2 एनालॉग स्टिक्स देखने को मिलती है, होम बटन के साथ आता है हमारा गेम पैड, और इसकी जो बैटरी है 400 mAh की है, और ये जो बैटरी है 2 आवर्स के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, और फुल चार्ज होने के बाद आप इस गेम पैड को 10 आवर्स तक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी कंपैटिबिलिटी लिखी है, PS3 से भी कनेक्ट हो जाता है, विंडोज से भी कनेक्ट हो जाता है, और ये जो गेम पैड है X इनपुट को भी सपोर्ट करता है। डुअल वाइब्रेशन देखने को मिलती है इसके अंदर। इसका वेट यहाँ पे आप देख सकते हो 215 ग्राम से, यानी कि काफी ज्यादा कम वेट है इस गेम पैड का। और यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो 1990 लिखा है, पर अमेजोन पर सिर्फ ये जो गेम पैड है 1000 रुपीज में ही मिल रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से निकाल लेते हैं हमारे गेम पैड को इसके अंदर से बाहर। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर देना। अगर आप चटपट टॉय टीवी पर नए हो तो चटपट टॉय टीवी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, बॉक्स के अंदर देख सकते हो ये है इसकी यूजर मैनुअल, यहाँ पे सारे बटन के फंक्शंस दिए गए हैं, पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस यूजर मैनुअल के अंदर दिया गया है कि आपके मोबाइल के साथ आप इसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ड्राइवर्स की CD है, अगर आप इस गेम पैड को PC में यूज करना चाहते हो तो ये CD आपको यूज करनी चाहिए। और एक वायरलेस डोंगल भी देखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ओवरऑल मेरे पास अभी तक मैंने जितने भी गेम पैड्स खरीदे हैं उन सभी गेम पैड्स में से इसका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे RPM यूरो गेम्स की ब्रांडिंग दी हुई है। यह है इसके एनालॉग स्टिक्स, रबर की ग्रिप है ऊपर, काफ़ी स्मूथ है इसके एनालॉग स्टिक्स, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं, और ये बटन्स भी बिल्कुल सही है यार, एकदम टेक्टाइल है। तो इसके डीपैड की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं लगी गाइस मुझे। यहाँ पे सेलेक्ट है, स्टार्ट है, बाकी ये जो बटन्स है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, होम है। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और यहाँ से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो L1 L2 ट्रिगर्स दिए गए हैं, ट्रिगर्स की क्वालिटी बिल्कुल सही लगी मुझे, काफ़ी अच्छे, काफ़ी टेक्टाइल बटन्स हैं। और R1 R2 ट्रिगर्स यहाँ पे है, पीछे से इस तरह का दिखाई देता है ये गेम पैड। ग्रिप जो है रबर ग्रिप नहीं दी गई है इसके अंदर, प्लास्टिक का ही है पूरा का पूरा। ठीक ठाक ही है यार 1000 रुपीज में ये जो गेम पैड है। तो ओवरऑल गेम पैड की जो क्वालिटी है बिल्कुल डिसेंट सी लगी मुझे। तो ये है इसे चार्ज करने का केबल, Type-A केबल मिलता है आपको। तो दोस्तों, अभी इस गेम पैड को जो है मैं सबसे पहले मोबाइल से किस तरह से कनेक्ट करना है, मोबाइल में किस तरह से गेम्स खेलनी है वो बताऊंगा, उसके बाद में PC में भी चेक करेंगे हम ये जो गेम पैड है PC में किस तरह से परफॉर्म करता है। ये देख सकते हो गाइस, इस तरह का एक केबल चाहिए हम लोगों को, ये जो केबल है 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। मेरा जो मोबाइल है Type-C सपोर्ट करता है, अगर आपका मोबाइल जो है Micro USB सपोर्ट करता है आपको उस तरह का केबल लेना होगा। तो मैं मोबाइल ले लेता हूँ, मोबाइल के अंदर जो एक केबल लगा देता हूँ, क्योंकि यार हमारा जो गेम पैड है सिर्फ PC के लिए ही बनाया गया है। तो इस तरह का एक वायरलेस रिसीवर मिलता है हमें, वायरलेस रिसीवर जो है इसमें लगा देंगे हम। और हाँ दोस्तों, आपका मोबाइल जो है OTG सपोर्ट ज़रूर से करना चाहिए। तो बाकी यार मेरे को अभी जो है ना वीडियो शूट करना है, तो मेरे पास ये एक मोबाइल होल्डर है,
मेरे पास अगर आपको याद होगा तो क्लॉ का एक वायरलेस गेम पैड है, उसके साथ जो है ना गाइस मेरे को ये वाला मोबाइल होल्डर मिला था। ये मोबाइल होल्डर जो है यूनिवर्सल है, हर गेम पैड के साथ आ जाता है यार। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हो ये थोड़ा बहुत लूज है पर चल जाएगा गाइस, क्योंकि मेरे को अभी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। बाकी जो है गाइस आपको अमेजोन पे इस तरह के मोबाइल होल्डर्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से जाकर परचेज भी कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल जो है इसके अंदर लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो यार थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये स्लिप ना हो जाए, तो मैं इसे यहाँ से होल्ड भी कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग खेलेंगे रेसिंग गेम्स, जैसे कि बीच बग्गी रेसिंग हो गई या फिर एसफाल्ट हो गई। ये जो जितनी भी रेसिंग गेम्स होती है इस तरह के गेम पैड जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर लेते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट प्लग एंड प्ले भी कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी गेम जो है स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो भाई देख रहे हो काफी अच्छी तरीके से टिल्ट हो रहा है स्क्रीन। अरे भाई साहब, अच्छा तो इसका ट्रिगर है इसको रेस कराने के लिए। कि गाइस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी सही से सीखने के लिए, बाकी कंट्रोल्स जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं इस गेम पैड के अंदर, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है गेम पैड, कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार इसकी। तो अभी थोड़ा सा बूस्ट देते हैं हमारी कार को। तो भाई इसके अंदर फ्री फायर किस तरह से खेलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपने को। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो पर जरूर से लाइक कर देना। आप इसी तरह से कोई भी एसफाल्ट या फिर कोई भी रेसिंग गेम खेल सकते हो इस गेम पैड के अंदर, जस्ट प्लग एंड प्ले करना है आपको। तो चलो अभी मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर किस तरह से खेलना है इसके अंदर। दोस्तों फ्री फायर खेलने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, ऑक्टोपस नाम का एक ऐप आता है वो ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ऐप जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो गेम पैड है यहाँ पे एक्सबॉक्स 360 ही नाम से कनेक्ट हो चुका है। तो मान लो आपकी जो गेम है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ से आप प्लस पे टैप करके आपको जो गेम इसके अंदर ऐड करनी है वो गेम यहाँ से जाकर ऐड कर सकते हो। यार मैंने बैटल ग्राउंड्स गेम भी जो है ट्राई की थी, इसके अंदर दिखा नहीं रहा था यार। यहाँ पे देख सकते हो ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे फ्री फायर देख सकते हो, ये रहा फ्री फायर, यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने इस गेम के अंदर। तो वापस से यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर दिखा रहा है और कॉल ऑफ ड्यूटी दिखा रहा है। आप चाहे तो सैन एंड्रियास वगैरह गेम भी खेल सकते हो इसके अंदर। तो फ्री फायर सेटअप कर लेते हैं यार, यहाँ से आपको कर देना है कंटिन्यू प्ले विथ ऑक्टोपस, स्किप कर देना इसे, या फिर आप इसका गेट प्रो वर्जन भी ले सकते हो, उसका प्राइस है 80 रुपीस। यहाँ पर आपको मैं जो ऐप फ्री में मिल रहा है उसे किस तरह से यूज करना है ये बताऊंगा। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एनालॉग स्टिक है सिर्फ यही काम कर रही है इसके अंदर, मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं गाइस अभी ट्रेनिंग मोड के अंदर। तो यहाँ पे बटन्स देख सकते हो, मैंने थोड़े बहुत जो बटन्स हैं ऑलरेडी इसके अंदर सेट करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो एनालॉग स्टिक्स है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और ये मैंने सेट किया है माउस का बटन, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल कहीं भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। तो भी मान लो आपको कोई नया बटन इसके अंदर सेट करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑक्टोपस का सिम्बल दिखाई देगा, जस्ट इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो सारे जितने भी बटन्स हैं इस गेम पैड के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो है प्लस पे टैप कर देना है इस तरह से, और प्रेस करना है ए सिंबल पर,
यहाँ पे आपको अभी इसके अंदर जो बटन सेलेक्ट करना है वो बटन प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल जो गेम पैड्स होते हैं उसके अंदर ये जो बटन्स है 1, 2, 3, 4 बोलकर नहीं आते हैं गाइस, ABXY बोलकर आते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 दिया गया है। तो ये जो ऐप है इसके अंदर भी आपको ABXY के ही दिखाई देंगे बटन्स। तो यहाँ पे मैं इसे प्रेस कर देता हूँ यार। ये बटन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है आपको। बी को जस्ट आपको यहाँ से टैप करना है और इसे यहाँ पे लाके इस तरह से ड्रॉप कर देना है बी के ऊपर। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ऑलरेडी मैं यहाँ पे बटन लगा चुका हूँ बी का, तो फिर एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। तो जो बटन आपको सेट करना है, सेट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये जो बटन से आपको दिखाता हूँ किस तरह से सेट किए हुए हैं, ये देख रहे हो गाइस, आराम से क्राउच कर रहा है ये और प्रोन कर रहा है, जंप कर रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से। बहुत ही ईजी है गाइस इसके अंदर की मैपिंग करना, इसको की मैपिंग बोलते हैं। ऐप जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने गन्स वगैरह सारे सेट कर दिए हैं इसके अंदर। तो यार मेरे को जो है ना गेम उतनी परफेक्ट नहीं आती है, इसलिए मैं आपको हमेशा ट्रेनिंग मोड के अंदर ही ये किस तरह से सेट करना है दिखाता हूँ। तो इसको ओपन करते हैं। मैंने इसे ओपन करने के लिए एक्स का बटन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई ओपन हो चुका है। तो इस यहाँ पे मैं कोई भी गन सेलेक्ट कर लेता हूँ यार। मैं ले लूँगा यहाँ पे स्कार, ऑप्टेन कर लेते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्कार गन्स है। तो आप चाहे तो इसके अंदर से ही स्वैप भी कर सकते हो यार गन्स को। तो पहले इसके अंदर कुछ शूटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस। शूट करने के लिए देख सकते हो मैंने ये वाला ट्रिगर लगाया है, इसके अंदर शूट कर रहा है। जूम के लिए ये बटन है, जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो इस तरह से। आप चाहे तो 2 बटन से भी जूम कर सकते हो इस तरह से डायरेक्ट। तो जितने भी बटन से काफ़ी सही तरीके से काम कर रहे हैं, पर गाइस इस गेम पैड के अंदर जो आप सही से खेल नहीं पाओगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस तरह के गेम पैड्स में गेम्स वगैरह सीखने के लिए। तो भाई अभी मैं आपको गन्स वगैरह भी स्वैप करके दिखाता हूँ इसके अंदर। ये 2 बटन सेट किए हैं मैंने स्वैप करने के लिए। अब देख रहे हो स्वैप कर रहा है गन्स, और शायद इसे मैंने मैप को सेट किया है। ओके, ये रहा मैप। रन के लिए इसके अंदर भी आपको एक बटन देखने को मिलता है, जस्ट आपको इसे प्रेस कर देना है। देख रहे हो अभी ये रन कर रहा है। दोस्तों इसी तरह से आपको जो बटन जहाँ पे सेट करना है बढ़िया आराम तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो चलो अभी मैं पीसी पे भी इसे कनेक्ट करके कुछ गेमिंग करके आपको दिखाता हूँ।
तो गाइस पीसी में गेम्स वगैरह खेलने के लिए ये जो गेम पैड है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके सारे बटन्स काम कर रहे थे। और जहाँ तक बात करूँगा इसमें इसके क्वालिटी की, क्वालिटी डिसेंट है यार। तो अभी बात करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स की गेम्स, जैसे कि रेसिंग गेम्स हो गई, बिल्कुल सही से खेल सकते हो आप इस गेम पैड को यूज़ करके। तो अभी बात कर लेते हैं फ्री फायर जैसी जितनी भी गेम्स है, वो गेम्स तो आप खेल सकते हो पर आगे जाकर आप गेम पैड यूज़ करते हो तो आपकी गेम भी ख़राब हो सकती है। अगर आप ये गेम पैड खरीदते हो तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ रेसिंग वाली गेम्स खेलने के लिए ही ये गेम पैड बना हुआ है। फ्री फायर जैसी गेम्स के लिए आप दूसरा कोई गेम पैड खरीद लेना यार। मैंने अभी तक बहुत सारे गेम पैड्स की अनबॉक्सिंग करी है तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चाहे तो उन प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी गेम पैड खरीद सकते हो या फिर वीडियो देख भी सकते हो। तो गाइस ओवरऑल गेम पैड जो है डिसेंट है सिर्फ पीसी में गेमिंग करने के लिए। आपको ये गेम पैड कैसा लगा गाइस मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस गेम पैड को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। तो गाइस आज देने वाला हूँ मैं 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है वेदांत श्री, पुष्पा कुमारी, मनु, राजदास, अफसान अली, स्वन, कृष, आकाश, सुभाष, ध्रुव वर्मा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गेम पैड्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।